हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक और आज मैं बना रहा हूँ कार्टवील ट्यूटोरियल, जो कि एक बेसिक मूव है, जो कि एक फाउंडेशन मूव है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है ट्रिकिंग के लिए। राउंड ऑफ, एयर कार्टवील और बटरफ्लाई ट्विस्ट, ऐसे बहुत सारे मूव्स है जो ये मूव उन सबको सीखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कार्टवील करने से पहले आपको दो एक्सरसाइजेस को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वार्म अप करते हो, वार्म अप एक्सरसाइजेस के बारे में आपको पता ही होगा, इसलिए मैं उतना टाइम नहीं लूँगा उस सबको बताने के लिए। मैं सिर्फ वही दो एक्सरसाइजेस को बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्टवील करने के लिए। तो पहला है जो हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड आपको एक अच्छा बैलेंस देता है, आप गिरते नहीं हो जब भी आप कार्टवील करते हो सीधा। और दूसरा है लेग स्प्लिट। लेग स्प्लिट यहाँ पे मतलब परफेक्शन का काम करता है। जितना अच्छा आप स्प्लिट करोगे उतना अच्छा बैलेंस पाओगे, उसके बाद आपका कार्टवील उतना परफेक्शन लगेगा। तो सबसे पहले हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस कर लो। अगर ऐसा हैंड स्टैंड में आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, बैलेंस करने के लिए आप दीवार का इस्तेमाल भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो हाथों को स्ट्रेंथ बनाने के लिए। और उसके बाद है लेग स्प्लिट। लेग स्प्लिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि जितना प्रिसाइसली आपका पैर खुलेगा उतनी अच्छी तरह से आप एक अच्छा बैलेंस पाओगे, आप रोटेट करके लैंड सेफली कर पाओगे। क्योंकि जब आप सीधा कार्टवील करते हो तब ये चाहिए होता है, क्योंकि जब आप पहले पहले कार्टवील शुरू करते हो आपका कुछ ऐसा होता है, आप तिरछा करते हो क्योंकि डर रहता है गिरना, पीछे की तरफ गिर जाने के लिए डर रहता है। तो ये प्रोग्रेशन है, धीरे 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 अगर आप हैंड स्टैंड करोगे, हाथों में स्ट्रेंथ ले आओगे और लेग स्प्लिट अच्छी तरह से कर लोगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप एक गुड एक प्रिसाइसली कार्टवील कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको इस पोजिशन में खड़ा होना होगा, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा के आपको लेफ्ट हैंड को पहले ज़मीन में लगाना होगा नीचे कुछ इस तरह, और साथ ही साथ राइट लेग को ऊपर उठाना है। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड को पहले लगाना है, राइट लेग को ऊपर उठाना है, और साथ ही साथ उसको साइमल्टेनियसली फॉलो करके राइट हैंड को नीचे लगा के लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के इस तरह से वी सेव करना है। मतलब ये साइमल्टेनियसली वो मोशन में होगा। उसके बाद क्या है मैं बता रहा हूँ, उसके बाद वैसे ही राइट लेग पे आपको लैंड करना है, जहाँ से आप टेक ऑफ लिए थे उसी तरह आपको लैंड करना है। तो ये बस ऑपोजिट है, जब भी आपका लेफ्ट हैंड नीचे लगता है राइट हैंड ऊपर उठता है, जब राइट हैंड नीचे लगता है तो लेफ्ट लेग ऊपर उठता है, और उसी तरह लैंड अप करते हो राइट लेग से। लैंडिंग का आपको फोकस करना होगा, जब लैंड करते हो वो राइट लेग में होना चाहिए, तब जाके आपका एक अच्छा और परफेक्ट कार्टवील होगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पर, ये तो बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको बताना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब भी आप कार्टवील करते हो, ऐसा तो कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है आप सीधा नहीं कर पाते हो, बॉडी बेंड रहता है, गिरने का डर रहता है पीछे को। जब भी आप ट्राई करते हो पहले पहले आपको डर रहता है गिरने का पीछे को, इसीलिए आप बेंड रहता है आपका बॉडी, सीधा आप कार्टवील नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम ये है। तो इसको कैसे करें, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आप इससे इसको सीधा करना चाहते हो तो दो तरीका है, एक तो आप दीवार के साथ सट के कार्टवील कर सकते हो, लेकिन वो सेफ़ नहीं है, अगर आप गिरोगे तो चोट लग सकता है। जो सेफ़ और अच्छा प्रोसीजर है वो है, आपके किसी दोस्त को आप बोल सकते हो, जब भी आप कार्टवील करते हो आप कोशिश करो सीधा करने के लिए, अगर आपका दोस्त पीछे होगा सपोर्ट के लिए तो वो बेटर होगा, वो सेफ़ होगा, और आपका जो डर है पीछे की तरफ गिर जाने का वो बहुत ही जल्द ओवरकम हो जाएगा, और बहुत ही जल्द आप एक स्ट्रेट कार्टवील कर पाओगे। स्ट्रेट कार्टवील में टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आप गेन कर लोगे, लेकिन यहाँ पर हैंड स्टैंड और स्प्लिटिंग ये दोनों आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, अगर आप एक अच्छा परफेक्ट और एक स्ट्रेट कार्टवील करना चाहते हो तब। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही था, और मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये मैंने रैंडमली किया है क्योंकि ये एक बेसिक ट्यूटोरियल मूव है जो आप सभी को बहुत इजी लगेगा करने के लिए, और मुझे आशा है कि बहुत डिस्क्रिप्शन और बहुत ही प्रिसाइसली मैंने इसको समझाया है। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, नेवर गिव अप। आई विल सी यू लेटर इन अनदर ट्यूटोरियल। बाय।